हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे बेस्ट बुक फॉर नवोदय विद्यालय क्लास 6 2023 के लिए, यानी कि 2023 में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो, तैयारी कर रहे हो, फॉर्म आप भरना चाहते हो, नवोदय विद्यालय में का पेपर देना चाहते हो, तो आपको एक बुक लेनी पड़ती है तैयारी करने के लिए। सभी को पता है बुक आपको कौन सी लेनी चाहिए। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखना। बुक बताने से पहले सबसे पहले एक छोटी सी नज़र डालते हैं आपके फॉर्म को लेकर कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 का फॉर्म कब आएगा, और एज को लेकर भी एक चेंजेस किया गया वो सबसे पहले बताना चाहूँगा। बुक मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है, बुक लास्ट में बताऊँगा। सबसे पहले आपको अजय विद्याकांत सर्च करना है गूगल में। ये हमारी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है अजय विद्याकांत, ठीक है। अजय विद्याकांत जैसे कि सर्च करोगे आपको नीचे जाना है थोड़ा, और पहले नंबर पर आपको यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे जाना है, तो यहाँ पर मिलेगा आपको देखो एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन एडमिशन इन JNBHT 2023। देखो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो एज का जो क्राइटेरिया था पहले नवोदय विद्यालय में जो एडमिशन होता था वो एज अब चेंज की गई है। अब एज में कौन सा चेंज किया है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ये वाला बॉक्स मिल जाएगा आपको एज एलिजिबिलिटी ऐसे इस तरह से करके, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। ऐसे जैसे क्लिक करोगे आप इस पर आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, और यहाँ पर आप मैं एज बताता हूँ आपकी एज कितनी होनी चाहिए। देखिए क्लास 6 की अब आपकी एज होनी चाहिए 10 से 12 साल के बीच में, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का। क्लास 9th के लिए 13 से 15 साल के बीच में, और क्लास 11th के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको 15 से 17 के बीच में होना चाहिए। ओके, तो क्लास 6 की होनी चाहिए आपकी कितनी, 10 से 12 साल के बीच में। अब बात करते हैं कि फॉर्म कब आएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद बात करेंगे बेस्ट बुक फॉर नवोदय विद्यालय, ठीक है, हमारा मेन टॉपिक यही है। अब बात करते हैं कि फॉर्म कब आएगा, तो यहाँ पर फॉर्म का भी ऑप्शन मिल जाएगा, JNB क्लास 6 एडमिशन फॉर्म 2023, ठीक है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये भी जानना है कि फॉर्म कब आएगा, तो वो भी बता दे रहा हूँ। देखिए आप सभी का फॉर्म, सभी जानकारी आपको अजय विद्याकांत वेबसाइट पे मिल जाएगी, जाके आप देख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एडमिशन फॉर्म आपका नवंबर में आ जाएगा, ठीक है, तो नवंबर में आप एडमिशन फॉर्म भर लेना। अब बात करते हैं बेस्ट बुक फॉर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की 2023 की, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए कौन सी अच्छी बुक रहेगी, कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए और कहाँ से आपको लेनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो स्टूडेंट्स, हेयर वी आर, आप बात करते हैं कि नवोदय विद्यालय की बेस्ट बुक कौन सी आपको लेनी चाहिए। देखिए मार्केट में बहुत सारी बुक हैं, कोई लोएस्ट प्राइस की है, कोई बहुत ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस की है, कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए किसी भी बुक वाले ने पैसे नहीं दिए, ठीक है, कि मैं उस बुक को बताऊं आपको, ठीक है। जो मुझे बुक अच्छी लगी है मैं आपको वही बुक सजेस्ट करूंगा, मैं खुद उसको पढ़ता था, ठीक है, मैंने भी पास कर रखा है नवोदय विद्यालय। और आपको कैसे कौन सी बुक लेनी चाहिए, देखिए सबसे पहले यहाँ पर मार्केट की बुक की बात करें तो मार्केट में हजारों तरह के पब्लिकेशन आ रहे हैं नवोदय विद्यालय के बुक प्रिंट कर रहे हैं, कोई 2023 की, कोई इतना दे रहा है, कोई उतना दे रहा है, किसी का प्राइस बहुत ज़्यादा है 300-400 रुपये, किसी का 250 है, 249 रुपये। तो कौन सी बुक आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी, देखो यहाँ पर मैंने एक थंबनेल बना कर रखा है बेस्ट बुक नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 और 2024 के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी, ठीक है। अब देखो बेस्ट बुक में आपको क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज आपको होनी चाहिए, वो आप अच्छे तरीके से जान लीजिए। देखिए अगर आप नवोदय विद्यालय की बेस्ट बुक लेना चाहिए, देखिए जितने भी मार्केट में बुक हैं सभी बुक अच्छी हैं, जो आपका मन कर रहा है वो खरीदे, पर यहां पर एक बात मेरी ध्यान रखिए, आप उसी बुक को लेना जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा। देखिए जिसमें आपको एकदम नया सिलेबस मिले, 2023 का जो नया पैटर्न है वो मिले एकदम, ठीक है। उसके बाद कम से कम उस बुक में 5 पिछले सालों का प्रश्न पत्र होना चाहिए, ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर जो पहले नवोदय विद्यालय के पेपर हो चुके हैं वो उसमें होना चाहिए इंक्लूडेड, ठीक है। और उसमें कम से कम एटलीस्ट 5 प्रैक्टिस सेट भी होना चाहिए, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस करने के लिए, जब आप पूरे बुक को कवर कर लोगे तो वैसे हालांकि प्रैक्टिस सेट अलग से आता है, पर बुक में भी 5 प्रैक्टिस सेट कम से कम होना चाहिए, और 5 पिछला प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए उस बुक में। उसके बाद लेटेस्ट सिलेबस होना चाहिए उस बुक में, और उसके बाद बुक लेने से पहले आप देख लेना, अगर आपने किसी की बुक खरीदी है तो यूट्यूब वगैरह पर देख लेना कि बुक का मतलब जो पेज का क्वालिटी होता है, वो कई बुक्स रहती हैं जिनमें मतलब आप बुक खरीदोगे उसके 10 से 15 दिन बाद ही आपकी बुक फटने लग जाती है, ठीक है। तो उसलिए आपको अच्छी तरह से बुक खरीदनी है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको फिर से, जिस बुक में आपको न्यू एग्जाम पैटर्न मिले, एकदम नया सिलेबस पर आधारित, वो आपको बुक लेनी है। उसी के साथ साथ उसमें आपको गाइडलाइंस दी जाए, वो आपको बुक लेनी है। उसके बाद उसमें आपको क्या क्या होना चाहिए बुक में, कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट होने चाहिए और 5 पिछले सालों के प्रश्न पत्र होने चाहिए, वो भी सॉल्वर्ड पेपर के साथ, ठीक है। तो ये बुक में उस क्वालिटीज होनी चाहिए जो आप बुक खरीदोगे नवोदय विद्यालय की। तो आप ये याद रख लेना कि आपको मतलब बुक जो लेनी है उसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए कि हाँ अजय भैया ने ये बात बताई थी, हमको वही बुक लेनी है, ठीक है। अगर आप वो बुक ले लोगे तो आपको 100% नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ अभी, आपको मुझे कलर चेंज करने दीजिए थोड़ा, मैं बता रहा हूँ अभी, एक मिनट को, यहाँ पर मैं कलर लेता हूँ ये वाला ब्लैक वाला।
थ्रेड वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी बेस्ट बुक में देखिए होनी चाहिए, एटलीस्ट कम से कम चार फैसिलिटीज तो उस बुक में होनी चाहिए। सबसे पहली जो फैसिलिटीज़ है आपको देखिए कम से कम पाँच पिछले सालों का पेपर होना चाहिए, पाँच पिछला जीएस का पेपर होना चाहिए, ओके। पाँच पिछले सालों का प्रश्न पत्र होना चाहिए सॉल्व के साथ, मतलब वो भी सॉल्व हुआ हुआ। उसके बाद पाँच इसमें प्रैक्टिस सेट चाहिए आपको कम से कम, जब आपकी बुक पूरी हो जाए तो आप प्रैक्टिस कर सको कि हाँ आपकी प्रैक्टिस कितनी हुई है। उसके बाद आपको क्या होना चाहिए बुक में, उसके बाद आपको बुक में लेटेस्ट सिलेबस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेटेस्ट आपका सिलेबस होना चाहिए 2023 के लिए, ठीक है। और बुक की जो पेज की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप बोलोगे कि सर एक बुक सजेस्ट कर दिए तो मैं बुक आपको जरूर सजेस्ट करूंगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे, एक अच्छी बुक मैं मंगाऊंगा, ठीक है। और देखिए आप लोग जिस भी बुक में इस तरह की क्वालिटीज़ और फैसिलिटीज़ देखते हैं आपको वही बुक लेनी है ओनली और ओनली, ठीक है। अगर आप बुक लेना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह पे बुक बहुत सारी मिल जाती हैं, पर उनमें चेक कर लेना कि क्या क्या उसमें मिल रहा है, ठीक है। फ्रंट पेज पे लिखा रहता है, जो बुक आपको अच्छी लगे वो ले लेना, मार्केट में सभी बुक्स अच्छी हैं, मैं किसी बुक का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप कोई भी बुक लेना चाहे तो ले सकते हो। और ये वीडियो कैसा लगा, बहुत ही जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर तैयारी शुरू होने वाली है नवोदय विद्यालय क्लास 6 की, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लेना, और लाल बटन को दबाकर, लाल बटन आ रहा होगा उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नवोदय विद्यालय से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट व तैयारी इस चैनल पर आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाई जाती है। लगभग 44,000 बच्चों ने हमारे चैनल पर विश्वास कर रखा है, तो आप भी अपना भरोसा हमारे चैनल पर बनाए रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके कि कौन सी अच्छी बुक रहेगी नवोदय विद्यालय की तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक भी कर देना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा, आपको बस कमेंट करना, ओके बच्चों। तो टेक केयर, बाय बाय।